बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज आप देख रहे हैं मेरा क्रिएटिव MM चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन अचार ही आलू बैंगन। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है जी, अचार थोड़ा सा लिया है, उसमें नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें और 1.5 चम्मच ये सूखा धनिया, और 2 प्याज ले लिए हैं और 1 टमाटर, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये बैंगन और आलू मैंने धो के रख लिए हैं। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, चूल्हा जलाते हैं। देखिए, 2 चम्मच घी मैंने डाल लिया है। अब इसको ज़रा गर्म होने देते हैं। देखते जी, घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज ज़रा सा छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल इनको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा छोटे करके। तो फिर इसमें टमाटर और बाकी मसाला अचार डालेंगे। अचार आपने बिल्कुल एंड में डालना है, जब पकने के करीब आ जाए। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, आधा किलो लिए हैं बैंगन। उनका छिलका उतार के मैंने काट लिया और उन्हें वॉश करके रख लिया है। ज़रा सा ये सोते होंगे तो हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए तो बैंगन भी हमारे हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाने चाहिए, कि ये हमारे जो गले के टॉन्सिल्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। इसकी और भी बहुत सारी असाबियत है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खिलाना चाहिए, ताकि ये इनकी जो खास तौर से वो जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको तो ज़रूर लेना चाहिए। ये उसको भी कंट्रोल करता है, इसकी बहुत अफादियत है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी फालतू नहीं बनाई, हर चीज़ की अफादियत है। ये जैसे ही सोते हो जाएगा तो हम इसमें आप टमाटर और ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे, डाल देंगे। ज़रा सा ये सॉफ्ट होंगे तो फिर देखिए, मसाले मैंने आपको बताया है पहले, नमक, काली मिर्च, धनिया, सूखा धनिया मैंने मोटा मोटा पीस के रखा हुआ है। इसी तरह ये सारे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो कटे हुए बैंगन और आलू पड़े हैं, ये देखिए। आजकल बहुत फ्रेश बैंगन आए हुए हैं, आलू भी हमारे यहाँ नया उत्तर आया, नमकीन आलू है, बहुत ही अच्छा है, दिल करता है खाने को, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। तो मेरे बहन भाइयों, आप मेरे चैनल देख रहे हैं क्रिएटिव MM। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये आपकी तरफ से मेरा आपके मेरे लिए आपका प्यार होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ऐसे 2 मिनट इसकी भुनाई करके तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू जल जाएं। इसको दम पे लगा दूंगी मैंने, इसकी भुनाई करके इसको दम पे लगा देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। फिर 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और हमारे अचारी आलू बैंगन तैयार है। देखिए, ये हमारे यमी से आलू बैंगन अचारी आलू बैंगन बन के तैयार हैं। अब इसी स्टेज पे हम अचार, तो देखिए मैंने हरी मिर्ची और इमली और सूड़े का अचार थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा मसाला है अचार का। अब इसमें सिर्फ ये मैंने खुद ही घर में बनाया है और अब ये इसमें डाल देंगे ताकि इसका जायका अच्छा सा हो जाए। अब ये डाल के इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करके इसको डिश आउट करेंगे।
चूल्हा बंद कर लेते हैं। देखिए यम्मी से हमारे आलू बैंगन अचार ही आलू बैंगन बन के तैयार हैं। ये हमारे आलू अचारी आलू बैंगन यकीनन आपको पसंद आएंगे। आप भी बना के देखिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसा जायका लगा है आपको। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।